अगर आप एक APS यूजर हैं, CSP चलाते हैं कोई भी बैंक का, APS मतलब कि मार्केट में तो अभी काफ़ी सारे APS कंपनी हैं, पे नियर बाय है, स्पाइस मनी है, रेनवेल बिजनेस मॉल है, CSC का DGPay है, फिनो पेमेंट्स बैंक है, एयरटेल है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, बहुत सारे हैं। जो भी बैंक का CSP या फिर बैंक का आप ID लेकर चला रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो खास होने वाला है। यहाँ पर मैं एक वीडियो क्लिप को ऐड कर रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। आपने अभी तक अपने CSP शॉप में, APS शॉप में अगर CCTV नहीं लगाए हैं तो ये CCTV का जो फुटेज देखने के बाद आपको ज़रूर लगा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में खतरा आता है तो इससे पहले आपको सबसे पहले अलर्ट होना है, ताकि आपको आने वाले जो मुसीबत है उसको आप सामना कर सकते हो। अगर आपके पास ये CCTV फुटेज नहीं होगा तो आप कैसे क्लेम कर सकते हो? यहाँ पर आप देख सकते हो लाइव प्रूफ, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए आपको CCTV लगाना बहुत ही ज़रूरी है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो किस तरीके से लुटेरे आते हैं, मतलब कि पूरा फुल्ली दादागिरी से वो आते हैं, सीधे CSP संचालक को गोली मारने की धमकी देकर पैसे सब कुछ लूटने आते हैं। ये पैसा बैंक का नहीं है, ये खुद का पैसा है, खुद का मेहनत का पैसा है। कोई मतलब ज़मीन को गिरवी रखता है या फिर कोई चीज़ को वो सेल करता है, उसके बाद CSP पे लगा के पैसे कमाता है, तो ये पैसा है, वो पूंजी को सारे को लुटेरे ले रहे हैं, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो रहा है, अगर आप भी सतर्क रहेंगे तभी आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप यहाँ पर सतर्क रह सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपको अपने सेंटर में CCTV लगाना चाहिए। अगर आप CCTV नहीं लगाएंगे तो प्रूफ आपके पास कुछ नहीं रहेगा। CCTV जब तक नहीं लगाएंगे तो आप अपने यहाँ जो प्रॉब्लम होगा उसे क्लेम करने में आपको प्रॉब्लम होगा। सेकेंड बात यह है कि आपको अपने सेंटर का इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। फिनो पेमेंट्स बैंक में भी आजकल इंश्योरेंस का फैसिलिटी है, और जो भी आपके पास CSP है, जो भी APS ID है, उस कंपनी से आपको बात करना है और अपने लिए एक इंश्योरेंस बना लेना है, ताकि आपको 4-5 लाख जो भी आपका नुकसान होगा वहाँ से भरपाई हो सकता है। ये दो बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको आने वाले दिनों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और रही बात कि अब जब आप बैंक से लाते हैं पैसे, उस समय भी खतरा होता है, तो उस समय आपको थोड़ा सा देख कर ही आपको अच्छे से आना होगा, नहीं तो ये जो पैसे का लेन देन चक्कर में आपको मतलब कोई बड़ा प्रॉब्लम ना हो, इस हिसाब से आपको देख लेना है। मैं आपको बस अलर्ट करने के लिए वीडियो दिखा रहा था, ना कि आपको डराने के लिए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।